सीता सोरेन बोली कल्पना बतौर मुख्यमंत्री मंजूर नहीं। जामा से जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने साफ कर दिया है कि कल्पना सोरेन उन्हें सीएम के तौर पर कबूल नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर हेमंत सोरेन कुर्सी से हटते हैं तो पहला दावा उनका होगा हर बार त्याग मैं ही क्यों करूं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होने पर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन उनकी जगह ले सकती हैं। ऐसा उनकी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के सूत्रों ने ही दावा किया है। कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय आज सोरेन से पूछताछ करेगा। ऐसी संभावना है कि उनका बयान दर्ज होने के बाद एजेंसी उन्हें गिरफ्तार कर ले। सूत्रों का कहना है कि सोरेन ने आज शाम सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की बैठक में ये घोषणा की। विधायक इस बात पर सहमत हो गए हैं कि इस समय सरकार बचाए रखना महत्वपूर्ण है। कांग्रेस से संबंध रखने वाले राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा, हम कांग्रेस के गठबंधन के सभी विधायक मुख्यमंत्री का पूरा समर्थन कर रहे हैं। हालांकि सोरेन की पत्नी के कार्यभार संभालने में कानूनी बाधा हो सकती है। संवैधानिक प्रावधानों की मांग है कि यदि विधानसभा का कार्यकाल एक वर्ष से कम समय में समाप्त हो गया तो उपचुनाव नहीं कराए जा सकते। ऐसे में कल्पना सोरेन का विधायक बनना मुश्किल होगा। झारखंड में इस साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार में भी ऐसा कुछ हुआ था। 1997 में राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। ईडी की जो कार्रवाई हुई और 8 लाख रुपए जो कैश है उनके दिल्ली स्थित आवास से मिला और लगातार ईडी की जो है दिल्ली में कार्रवाई हो रही थी, क्या आप लोगों को डर है या संशय कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो सकती है और 36 लाख रुपए जो कैश? देखिए, इतनी बड़ी पार्टी चलाते हैं, सभी विधायक सांसद अपने सैलरी में से उनके पार्टी फंड में पैसा जमा करते हैं और पार्टी के काम से उनके पास पैसे हो ही सकते हैं। इतनी बड़ी पार्टी चलाना, क्या भाजपा के पार्टी कार्यालय में या पार्टी के पास पैसे नहीं होते? इतनी बड़ी बड़ी रैली, इतने बड़े बड़े आयोजन, चुनाव में इतने इतने खर्च जो करती है, तो उनके पास निश्चित रूप से उसका पूरा आंकड़ा होगा कहां से पैसे आए। ये वो समय पर बताएंगे, इनकम टैक्स को बताएंगे ना, ना कि वो सार्वजनिक रूप से उसकी घोषणा करेंगे। पार्टी चलाने के लिए जी, शासन लगाने की बात शासन लगा देना चाहिए। ये प्रयास तो जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से किया जा रहा है कि सरकार गिरा दिया जाए या राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। जहाँ जहाँ गैर भाजपा की सरकार है उन उन स्टेट्स में इस तरह की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है। चुनी हुई जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, अभी एक साल बाकी है। अभी आपने देखा कि कांग्रेस के प्रभारी मीर जी ने भी यही बात कही कि हमारा एक साल का कार्यकाल बचा हुआ है, उसे अच्छी तरह से हम पूरा करेंगे। जनता का समर्थन है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, तो इस तरह की अटकलों से बाज आना चाहिए। और चुनाव सामने आ रहा है, चुनाव में जनता जिसको चुनेगी फिर से उनकी सरकार बनेगी। आखिरी सवाल है मेरा, अब आप लोगों का क्या कार्यक्रम बन रहा है? देखिए, हमारा कार्यक्रम तो लगातार बना हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी। सिर्फ चुनावी वादों से नहीं बल्कि जनता के लिए एक्चुअल में काम करके जनता का दिल जीतना चाहते हैं। जो काम पिछले 20-22 सालों से नहीं हुआ, भाजपा की सरकार रही झारखंड में भी अधिकतर समय में 17-18 साल उनकी सरकार रही, जनता जिन परेशानियों से जूझ रही थी उन अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से वो घर घर तक पहुंच रहे हैं, हर पंचायत, हर वार्ड, हर मोहल्ले में पहुंच रहे हैं, तो उनका काम जारी रहेगा जैसे कि वो पहले कह रहे थे। भाजपा की सिर्फ चुनावी फायदे के लिए काम करती है, लेकिन हमारी पार्टी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चुनावी फायदे के लिए नहीं बल्कि अपने राज्य को और वहाँ की गरीब जनता को इस देश में एक तो सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की बात वो कहते हैं कि जब खनिज संपदा के मामले में झारखंड नंबर 1 है तो आखिर पिछड़ा क्यों राज्य रहेगा? वो विकसित राज्य होना चाहिए और नंबर 1 होना चाहिए, यही उनका सपना है, संकल्प है। और हर कार्यकर्ता को वो यही सीख देते हैं कि जनता के बीच जाकर काम करें।